लेकिन एक
रिश्ता होता है तो मोहब्बत तो फितरी होती है, लेकिन वो रिश्ता मशरूत होता है। ये रिश्ते तो हैं गैर मशरूत फितरी, कुछ रिश्ते हैं जो होते तो फितरी हैं, मोहब्बतें फितरी हैं। इंसान को कोई काबिश नहीं करनी पड़ती उसके लिए कि मैं इसलिए मोहब्बत करूं इसलिए नहीं, फितरी तौर पर मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, उसमें सारे के सारे लोग ससुराली रिश्तेदार और दीगर कबीले वाले हैं वो सारे के सारे फितरी मोहब्बत होती है लेकिन मशरूत होती है। आप कहते हैं कि ये सास सास को मां जैसे कहते हैं ना, सास मां जैसे, मां का रिश्ता गैर मशरूत है, सास का रिश्ता मशरूत है, एक जैसा नहीं हो सकता। किस चीज से मशरूत है? निकाह के साथ। आज निकाह खत्म हुआ कल तो रिश्ता खत्म, बीवी का रिश्ता भी यही है, शौहर का रिश्ता भी यही है, ससुराली का रिश्ता भी यही है, लेकिन ये है फितरी। जो ही निकाह होता है इंसान को ससुराल का पिंड भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ससुराल का शहर भी अच्छा लगना शुरू होता है, हर चीज का फितरी है, लेकिन मशरूत है निकाह के साथ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप जो फितरी और गैर मशरूत रिश्ते हैं वो अलग है, और फितरी और मशरूत रिश्ते अलग है। अल्लाह करीम ने सब कर लिया। फिर अमवाल ने तरफ को बोला तो तुम्हारे बाल तुमने कमाए। अब कभी किसी को नोटों से मोहब्बत होती है? करंसी नोटों से नहीं मोहब्बत, किसी मुल्क के करंसी नोट कोई है, किसी कोई है, किसी के वो सीधा नोट होते हैं, बदबू आ रही, लेकिन इंसान को उससे मोहब्बत क्यों? इसलिए नहीं होती कि नोट खूबसूरत है, इसलिए भी नहीं कि वो फितरी तौर पर इंसान नोटों के साथ मोहब्बत करता है, नहीं, उन नोटों के बदले में जो फायदा मिलना होता है उस फायदे की वजह से इंसान को उसे वह तजारत का शौनक का साधा, कारोबार के जरिए से तुम्हें फायदा होता है, लिहाजा कारोबार जैसा मर्जी हो इंसान को उससे मोहब्बत होती है। बात बात केमिकल्स का कारोबार, जैसे बदबूदार दुकान होती है, बदबूदार शोर होता है, बंदा शौक से करता होता है, उसे पूछे उसे बार बार पसंद है, बदबूदार होने के बावजूद पसंद है, क्यों? उसके नतीजे में उसको फायदा होता है। फिर अल्लाह के लिए कहूँ मसाज भी करता हूँ, वो तुम्हारे घर यहां मकान भी फरमाया, एक मकान होता है एक मस्कन होता है, दोनों में फर्क है, मकान कोई इदारे का होता है, ईदगारे के मकान के साथ किसी को मोहब्बत नहीं होती है, मोहब्बत होती है मस्कन के साथ, वो घर जो इंसान को फायदा देता है, सुकून अदा करता है, असाता करता है, जो जिस घर से सुकून नहीं मिलता वो चाहे मोहल्लों झोंपड़ियों के रहने वाले महल में भी रहते हैं, वो कहते हैं हमें हमारी झोंपड़ी दे दो, क्यों? वो हमारा मस्कन है, महल कितना मर्जी बड़ा हो उससे कोई मोहब्बत नहीं, मोहब्बत मस्कन से है, वो घर। ये घर और मकान पर तेरी शायद निकाल था कि खुदाया मुझे इतना तो मुतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे, घर और भी है मकान और भी है, और अल्लाह के लिए मसाज का पर्दा उतारा होता है, वो तुम्हारे मस्तक जो भी बहुत, और इंसान मर बैठता है, और इसको तकद्दुस भी अल्लाह के लिए अता फरमाया, तुम्हारा घर है जाकर चार दीवारी का तहफुज, तुम्हारे घर को शख्स झांके दरार में से देखे तो उसकी आंख खोल दो, तुम्हारे को कोई गुनाह नहीं, क्यों? उसने तुम्हारे घर को झांका, ये शर्त का तुस्त। बहरहाल कहने की बात यह है कि ये वो सारी चीजें हैं, उसका खुलासा है कि तरफ इंसान अपने दिल में कशिश महसूस करता है किसी भी वजह से, ये जो अजवाज की कशिश है इसके अंदर एक और पहलू भी मौजूद है जिसका ताल्लुक जाहिर हुस्न से, इंसान जाहिर हुस्न की वजह से ये नियम नियम के रिश्ते ये कायम होते हैं, और ये फितरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ता करने से पहले जो लड़का और लड़की एक दूसरे को देख ले इससे अल्लाह ताला मोहब्बत में इजाफा कर देता है, जाहिर है एक दूसरे को पसंद करेंगे मोहब्बत में इजाफा होगा, कशिश बढ़ेगी, रिश्ता ज्यादा मजबूत हो, लेकिन
ये सारी दुनिया की मोहब्बतें, सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। यही तो इम्तिहान है। अगर दिल में कशिश किसी की ना हो तो इम्तिहान कैसे? दिल में कशिश और भी हो, सारी दुनिया से मोहब्बतें हो, लेकिन मोहब्बत सबसे बढ़कर والذين آمنوا أشد حبا لله, जिनके दिल में ईमान होता है उनको सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह की होती है। और अल्लाह करीम ने अपनी मोहब्बत के लिए और अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए और इंसानों को मोहब्बत का मरकज अदा करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कौन तुम प्रॉफिट हो रहा है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत की तीरें बढ़ाना चाहते हो, तो जाहिर है अल्लाह से मोहब्बत, जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह को नजर नहीं आता ना कुदरी को नुकसान और कुदरी को नुकसान, उससे मोहब्बत करनी कैसे करे? अल्लाह से मोहब्बत। तो फरमाया करता बेहूदी हफ्ते को दुआ अहली सल्लतन को बता दीजिए कि मेरी इतवा कर युफ्ते को दुआ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर दे। इसका मतलब ये है कि ये जो इतवा है इसका ताल्लुक कोई मोहब्बत के साथ है। इतवा का ताल्लुक मोहब्बत के साथ है। मोहब्बत के साथ इतवा का क्या ताल्लुक है, मोहब्बत के साथ इतवा का क्या ताल्लुक है, और मोहब्बत का असल में तकाजा क्या है? अल्लाह करे मेरी और आपकी हम सब की समझ में ये बात आ जाए और हम वो तकाजा पूरा करने में कामयाब हो जाएं, ताकि हमारी मोहब्बतों का मरकज और महवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की जात को इसके अलावा कुछ। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने हमारे ईमान का हिस्सा करार नहीं दिया। ये ईमान का हिस्सा नहीं है, ये ऐन ईमान है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अल्लाह की मोहब्बत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपस में कोई फर्क नहीं, इख्तलाफ नहीं है। और दूसरी ये बात कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान का हिस्सा नहीं है बल्कि ऐन ईमान है। अगर ये मोहब्बत न हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सबसे आला न हो, तो आप मोमिन नहीं हो सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, दुनिया कायनात के सारे रिश्तों से ज्यादा मेरी मोहब्बत नहीं होगी तो मोमिन नहीं बन सकते। बल्कि फरमाया तुम अगर तुम मोमिन ही बन सकते उस वक्त तक जब तक तुम्हारी ख्वाहिश ही ख्वाहिश नफ्स की उसके बात इतना हो जाए कि मैं लेके आया नबी सब की बात के मुकाबले में हर चीज इतना हो जाए सब की मानी। और फिर ईमान मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है, इसके बारे में दो हदीस सुनी है, फिर हम बात को आगे ले चलते हैं। अल्लाह की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ बुखारी शरीफ में है, ला तदखुलू अल-जन्नत हत्ता तुमीन, तुम कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन ना हो। जब तक तुम्हारे दिल में ईमान ना आए उस वक्त तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते। वला तुमिनू हत्ता तहाबू, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे आपस में मोहब्बत ना हो। इसका मतलब है मोहब्बत का ताल्लुक ईमान के साथ, और आपस में मोहब्बत नहीं होगी ईमान नहीं आएगा, और ईमान नहीं आएगा तो जन्नत नहीं। फिर खुद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला शय इज़ा फ़अलतु तहाबतु, क्या मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा ना बता दूं, एक छोटा सा अमल बता देता हूं जो तुम करोगे तो तुम्हारी आपस में मोहब्बत हो जाएगी।
आपस में मोहब्बत होगी ईमान आएगा, ईमान आएगा तो जन्नत मिलेगी। गोया करके अपने संपासक जन्नत में जाने का नुस्खा बताने लगे, और नुस्खा पता क्या बताया, तुम्हारा अक्स शराब भाई हो गए, आपस में ज्यादा ज्यादा शराब आने कहा लाया, ये शराब आने की इस्लाम की दुआ है, ये मोहब्बत का इजहार है। जिसके साथ इंसान को मोहब्बत होती है इंसान उसकी खैर खाई जरूर करता है, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा सलामती की दुआ खैर खाई का एक निशान है, एक अलामत है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलाम अलैकुम, तो ये तो सुन्नत है, और जो जवाब देना है वो लाजिम है, वो फर्ज है। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो गुनहगार हुआ है कि उसने इस्लाम का जवाब दिया, क्यों उसने इस्लाम की दुआ की खैर खाई थी, तो मोहब्बतें खैर खाई करने पड़ती है। इसलिए भगवान कहा तो कहा तू आपस में एक दूसरे को हदीये दिया करो, अस्सलाम वालेकुम कहना भी हदीया तो है। आपने तो फरमाया था अच्छी बात कहना भी सदका है, हत्ता के अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। ये सारी चीजें मोहब्बत बढ़ाएगा, मोहब्बत बढ़ेगी तो क्या होगा, ईमान, ईमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जन्नत। इसका मतलब मोहब्बत का ताल्लुक ईमान। दूसरी बात जो नबी को नजर घुमाया कि सलात मनकुर नफी वजद हलावत ईमान, तीन बातें किसी शख्स को अगर मिल गई तो उसको गोया ईमान की चाशनी नसीब हो गई, उसको ईमान की लज्जत नसीब। सलात मनकुर नफी जिसमें तीन बातें मौजूद होगी उसको ईमान की लज्जत और चाशनी, ईमान का जायका उसी को पता चलेगा जिसमें तीन बातें। उसमें तीन बातें क्या है, हमारे सबसे तीनों बातों का ताल्लुक मोहब्बत और नफरत के साथ, इसी दिल की कशिश के साथ, ख्वाहिश के नफ्स के साथ, और दिल की जो इंसान दिल के अंदर जो लगाव और लॉन्गिंग महसूस करते हैं उसी के साथ। हमारे सबसे पहली बात यह है सबसे पहले बात यह है ईमान का जायका कैसे रखना है, उसकी पहली निशानी यह है या पहली शर्त यह है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो सारी कायनात की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए। अल्लाह व रसूलहू अहब्बा इलैही मिम्मा सिवा, कायनात सारी इधर की इधर रह जाए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और अच्छे भले हमारे दरमियान कशी फरमा होते थे, बातें कर रहे होते थे, कुछ खुशखबरियां चल रही होती थी, उधर से अजान होती थी या नमाज का वक्त होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उठ के चले जाते थे जैसे हमारे वाकिफ ही नहीं थे। अय्यकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैही मिम्मा सिवा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बाकी सारी कायनात से ज्यादा नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ईमान हो गए, ईमान का जायका कभी नहीं। दूसरी बात फरमाई जिसने हमें भी अकोमोडेट कर लिया, हमारी फितरतों को अकोमोडेट किया, हमारी चाहतों को अकोमोडेट किया, हमारी जरूरतों को अकोमोडेट किया, हमारी माशियात, हमारी मईशत, हमारा माशरा, हमारी माशरत और इंसान की जो माशर पसंद फितरत है उसको कॉम्प्लीट किया। ये कैसे हो सकता है अल्लाह का दीन हो और इंसान की फितरत को इग्नोर कर दे, कैसे हो। लिहाजा फरमाया मोहब्बत करो, दूसरी निशानी यह है कि आई हिब्बल मर, आदमी मोहब्बत करे किससे करती है, दुनिया में रहना है आप, मां बाप है, भाई है, बीवी बच्चे हैं, अहले महल्ला बड़े छोटे सबके साथ ताल्लुक तो रखना है, तो मैं जिससे ताल्लुक रखना रखो आई हो बलवा ईमान का जायका रखना है। अगर ईमान की लज्जत हासिल करनी है तो फिर ये दुनिया के सारे ताल्लुकात और मोहब्बतों की बुनियाद तब्दील करो। आई हो बलवा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, मोहब्बत करो किससे करनी है, ताल्लुक रखो किससे रखना है, लेकिन अल्लाह के लिए रखो।
لهذا افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله. سب سے بہترین عمل دنیا کائنات کا چوٹی کا عمل ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ایک اور نفرت ہو تو یہ انسان کی محبت کی ڈائمینشن انسان کی محبت کی اور دل کی کشش کی یہ جہد ہوگی تو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا. اور تیسری بات تو فرمائی سزا جو اپنی محبت ہے اس کے ساتھ چاہتوں کے ساتھ فرمایا تیسری بات اس کے اندر یہ شامل ہو وہ کفر میں چلے جانے کسی طرح ناپسند کرے این یاد رہے گا این یعود الی الکفر کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے اتنی نفرت کرے اس سے کما یکرہ ہو این یقضا فی النار جس طرح آگ میں پھینکے جانے سے نفرت ہے جس طرح ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے اتنا زیادہ اس کو نفرت ہو کفر سے اور عالم کفر سے اور کفر میں واپس چلے جانے سے میری نفرت گویا محبتوں اور دل کی عقیدتوں چاہتوں کا ایک باقاعدہ رخ ہونا چاہیے جہد ہونی چاہیے اور وہ جہد کیا ہے اللہ کے رسول. اب آگے آ جائیں گے کہ اگر یہ محبت ہو تو ایک اور جو پہلو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ محمد کا اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے اور ایک محبت یعنی آپ کی کسی چیز کو خوبصورت دیکھتا ہے دل میں کشش محسوس کرتا ہے. ہم بھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل میں کشش محسوس کرتے ہیں ہر شخص کا فطرت اللہ. اور اگر کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بات ہوگی. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتا تھا کبھی کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ کو اللہ. بہرحال اس کی تفصیلات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی. اور ایک بات میں خاص طور پر یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو دارمی میں بھی ہے مختلف روایتوں میں اس میں ایک خاص بات ہے یعنی جو تشبیہات دی گئی اس میں ایک تشبیہ بڑی خاص ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے تو ایسے تھا کہ ان الشمس طالعۃ ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کا یہ ایک ڈسکرپشن یہ ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی طرف آپ دیکھیں تو بڑا اگلے لمحے نگاہیں چھن جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی یہ خصوصیت تھی کہ کوئی بھی نگاہ ہر کے جب دیکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی طرف اگلے لمحے نظریں چھن جاتی. اور اس کو اگر زیادتی اور اضافہ نہ سمجھیں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ میری شکل شیطان نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو شخص خواب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ کبھی نگاہ کر کے آپ کے چہرے پر سن نہیں دے سکتے. نگاہ کر کے دیکھے گا تو اگلے لمحے اس کی نگاہیں خواب میں بھی چھپ جائیں کیونکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس طرح کم کماتا اس طرح اس کے اندر ایسا جلال کہ جس طرح سورج کے سامنے انسان رہتا نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا فوراً نگاہیں جھک جاتی ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. لہذا اگر وہ خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کی محبت. اور رہ گئی سیرت تو سیرت کے بارے میں بعض اوقات انسان کسی سے اس لیے بھی محبت کرتا کشش محسوس کرتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا کردار اچھا ہوتا ہے اس لیے بھی دل میں کشش آتی ہے تو اس کے لیے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسلمان کافی ہے کہ کان آپ کو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کی جلدی کی تصویر تھے آپ کا اخلاق قرآن ہی تو تھا. لہذا محبتوں کا مرکز
अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ नबी अकरम की जात है। क्यों? अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया ताकि मुझे और आप और सबको मोहब्बतों और चाहतों का बरकत मिल जाए। अब जिससे मोहब्बत होती है ना उसके दो मजाहिर, दो दाइये पैदा होते हैं इंसान में। कोई भी मोहब्बत किसी भी तरह किसी भी शख्स से मोहब्बत हो तो दो दाइये पैदा होते हैं इंसान में, या दो में से एक दाइये। एक तो दाइये ही पैदा होता है जब किसी शख्स से मोहब्बत हो तो इंसान सोचता है कभी ये मुझे कोई हुक्म दे देना, मुझे कोई बात कह देना तो मैं इसकी बात पूरी करके अपनी मोहब्बत का सबूत दूं। ये दाइया पैदा होता है हर शख्स, और वो इशारे अदरू का मुंतजर रहता है कि मुझे कोई बात कहे, मैं इसकी बात पूरी करके इसके साथ मोहब्बत का अमली सबूत पेश करूं। और दूसरा दाइया जो पैदा होता है वो ये कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज हम अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वो जिस रंग के उसने कपड़े पहने होते हैं आदमी को वही रंग अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जिस शहर में वो रहता है वो शहर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। उसके अखलाकों का किरदार अच्छा लगना शुरू हो जाते हैं। उसकी सारी बातों के साथ इंसान को मोहब्बत हो जाती है। इंसान के दिल में ये दाग पैदा होता है कि मैं भी उसी तरह के कपड़े पहनू जिस तरह के उससे रहते हैं। वो बल्कि किसी ने कहा था कि तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग इंसान को हर तरफ कोई नजर आता है कुछ नहीं नजर आता। ये दो तकाजे दो दाइये जो फितरी तौर पर हर शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर मोहब्बत है तो जो पहला दाइया है हुक्म मानने का कि हमें इशारा है अबरू हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक से कोई बात मिले हम फौरन उस पर अमल करें। इसको शरीयत की जुबान में इताअत कहते हैं। इताअत का माना होता है हुक्म। अगर कोई शख्स इताअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है तो इसका मतलब है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर वो हुक्म किसी और का मानता तो इसका मतलब है उसको मोहब्बत नहीं है। क्यों? मोहब्बत और इताअत, इताअत तो इजहार है मजहर है मोहब्बत का। अगर इताअत नहीं है तो मोहब्बत कहां से आएगी? हजरत तौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जो दूसरा दाइया है कि मैं कैसा बन जाऊं उस दाइये को शरीयत की जुबान में इत्तेबा कहते हैं। तो इताअत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा का मतलब होता है फॉलो करना, नक्शे कदम पे चलना, पीछे चलना, जैसे वो कहे करे वैसे करते चले जाना, ये इत्तेबा है। और जो वो कहे उसका हुक्म मानते जाना ये इताअत है। ये दोनों ही बताते हैं अगर ये दोनों दाइये पैदा नहीं होते तो मोहब्बत का दावा झूठा। हजरत तौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबीब रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत है घर जाता हूं मैं बेकरार हो जाता हूं, मैं भाग के आता हूं आपका चेहरा अक्सर देखता हूं मुझे करार आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र मुझे ये दिखाए जा रही है कि यहां तो मैं आपके भाग के आके आपका चेहरा अक्सर देख लेता हूं इंतजार करता हूं मुझे करार आ जाता है। जन्नत में मैंने पता नहीं जाना है कि नहीं जाना। अगर मैं गया भी जन्नत तो मैं किसी नीचे वाली जन्नत में होगा आप हवा में महबूब पे होंगे। और आपने खुद फरमाया है जो दीगर रिवायात में है कि आपने खुद फरमाया है कि एक एक दर्जे का अगर फर्क पड़ गया तो इतना है जैसे 100 साल की मुसाफत का जन्नत। तो आपके दर्जात तो बहुत है, वहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बेकरार होता तो मैं क्या करूंगा? मैं तो इंतहाई अपना जन्नत में होगा आप इंतहाई आला जन्नत में होंगे मैं क्या करूं? इससे बड़ी मोहब्बत का कोई सवाल हो सकता है? इससे बड़ी मोहब्बत का इकरार और इजहार हो सकता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब फरमाया, जवाब भी अता फरमाया
सवाल मोहब्बत का है, जवाब कुरान की जुबान में अता फरमाया, मैं अल्लाह और रसूल सुबान परेशानी को मैं अल्लाह और रसूल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानता है, इताअत करता है, जो हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, उलाइक अल्लज़ीन अन'अमा अल्लाह अलैहिम, अल्लाह वो क़यामत वाले दिन उन लोगों के साथ होगा एक अल्लाह ने जिनके ऊपर इनाम, और वो कौन है कि मिन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइक रफीका, क़यामत वाले दिन वो नबियों सिद्दीकों शहीदों और सालिहीन के साथ होगा, लिहाजा परेशानी की कोई जरूरत नहीं। अब सवाल मोहब्बत का था, जवाब इताअत का है, मैं युद्धा तुम अपनी इताअत के मामला हो, हुक्म अल्लाह का मानना है, अल्लाह के रसूल का मानना है, अगर तुम्हारी इताअतों का मरकज ये है तो ये दलील है कि तुम्हारी मोहब्बतों का मरकज भी नहीं, अगर ये नहीं तो मोहब्बतों का मरकज नहीं। हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी दुनिया जब खलीफा बने हैं तो सारी दुनिया ने कहा कि हालात बड़े खराब हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, मदीना का तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर उसामा का लश्कर भेजेंगे तो पीछे मदीना खाली हो जाएगा, आप मुनकरीन ज़ात के साथ जिहाद करेंगे मदीना खाली हो जाएगा, मदीना के ऊपर हमलावर हो जाएंगे, हालात बड़े खराब हैं। इस वक्त नरमी उम्र फारूक को देखा तो जैसा शख्स कहता था ताली में फितना सवार होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलीफे है या खलीफा का रसूल का इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीन आप लोगों के ऊपर नरमी करें, आप रसूल जान दिया उमर तो कैसा आदमी है, अजब बात उनकी क्या नहीं है, वक्फाज उल इस्लाम तो कैसा आदमी है, तो जाइए तो बड़ा सख्त होता था, इस्लाम में आगे में क्या हो गया, अल्लाह लो मैं अरूनी ये काल दालो अल्लाह हु अला अहद रसूल अल्लाह से, अगर ये ज़कात देने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऊंट मारने की रस्सी या बकरी का बच्चा भी ज़कात देते थे, आज नहीं देंगे तो लाआतल तुम अला मन से ही मैं लड़ाई करूंगा, उधर भी लड़ाई थी लश्कर उसामा भेज रहे उधर भी लड़ाई, हालात इतने खराब, लोगों ने आके कहा मदीना खाली हो जाए, फरमाया मदीना इतना खाली हो जाए कि मेरे पांव में आके जंगल के दरिंदे पड़ जाए तो भी मैं उस लश्कर को नहीं रोक सकता जिसे भेजने का हुक्म नबी ने दिया। अब लोगों को यह ख्याल हुआ कि हम कोई वीक पॉइंट पकड़े, कमजोरी होती है ना, अगर हम कमजोरी पकड़े तो सिद्दीक अकबर की सिद्दीक की कमजोरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और आपकी जात के अलावा हो जाए, लिहाजा उन्होंने आप कहा साहब करके आगे बढ़ा आपका मसला नहीं, मसला अजवाज मुतहरात, अजवाज मुतहरात खानदान नबूवत वो गैर महफूज हो जाएगा, लिहाजा आप नजर ना देंगे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने बात फरमाई, इब्ने साद ने तबकात के अंदर वो अल्फाज वैसे के वैसे नकल किए हैं और दीगर मुहर्रिकीन ने और सीरत निगारों ने नकल किए हैं, आप अगर वो अल्फाज करें इंसान हैरान हो जाता, क्यों, सिद्दीक जानता है कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, सिद्दीक से बढ़कर वो दानाए राजे नबूवत है, वो जानता है मोहब्बत का तकाजा क्या है, लिहाजा मोहब्बत का तकाजा हों और वाजिब पकड़ा खानदान नबूवत उसको बचाना ये मेरा कलीम फरीदा है, हुक्म मानना कलीम फरीदा है, लिहाजा फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह पर हजरत अबूबकर सिद्दीक को देखा لو جرت الكلاب بأرض بأرض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ردت جيش المجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
अगर जंगल के दरिंदे और कुत्ते आके अजवाजे के पहाड़ की टांगों को पड़ जाए, फिर भी मैं उस लश्कर को नहीं रोक सकता जिसको भेजने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत दलील मांगती, दावा दलील मांगता है और दलील और इताअत का मर्द को बेहतर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। लिहाजा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, आपकी जात को, आपकी सीरत को, आपकी सुन्नत को इताअत और इत्तेबा के लिए जो अपना दलील पेश करेगा, वो कयामत वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। इसके अलावा तो कोई दलील है ही नहीं। हर उम्मती जन्नती है, आपने फरमाया कुल उम्मती है, कुल उम्मती जन्नत। उम्मती होना कोई छोटा इजाज़त है? उम्मती होना इतना बड़ा इजाज़त है कि अगर तुम उम्मती हो ना तो तुम जन्नती हो। कुल उम्मती है, कुल उम्मती हर उम्मती जन्नती है। लेकिन है कौन उम्मती? इल्ला मन अबा सिवाय इसके कि खुद इनकार कर दे, अल्लाह के रसूल पर कौन इनकार कर सकता है उम्मती होने से ये जन्नत नहीं। मन अता अली फदखल जन्नत, जिसने मेरा हुक्म माना, इसका मतलब उसका दावा ठीक, उसका उम्मती होने का दावा ठीक है, कामयाब हो गया, दाखिल हो गया। वमन आसान है जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद अबा, वो तो ऐसी है जैसे उसने मेरा उम्मती होने से दिया। आखिरी हदीस सुन लीजिए, वक्त हो गया। हजरत बाद में कहते होते हैं अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा था, ये जो हजरत बाद में जबल बदेला था ना, ये एक अजीब दास्तान है, केस स्टडी। हजरत बाद की रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी पर बड़ी तहकीकात हुई है। क्यों? सिर्फ 18 साल की उम्र में इस्लाम लाए, 33 साल की उम्र में फौत हो गए। सिर्फ 15 साल उनकी जिंदगी है इस्लाम की जिंदगी, और इतना दीन का सरमाया और ज़खीरा है, और इतने काम है उन्होंने आदत के लिए किए। ये कोई खास मामला है और खास है, सारे साहब खास हैं, लेकिन अल्लाह ने हर एक को अपना अपना मुकाम पूरा दिया। बहरहाल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन भेजा हुक्मरान बनाकर जा रहे थे, खुद फरमाते हैं कि जब जा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बाहर खड़े उनको नसीहत करते, और हालात ये थे, सिचुएशन ये थी, खुद हजरत बाद फरमाते हैं कि मैं घोड़े पर सवार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पैदल चल रहे थे। अल्लाह, और सारी जब गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, फिर ना फरागा जब बात मुकम्मल हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या माज माज सुनो, हो सकता है कि लअल्लक ला तलकानी बादा आमी हादा ولعل لم تبر قبري ومسجدي هذا, हो सकता है आज के बाद मेरी तेरी मुलाकात ना हो, और हो सकता है कि जब तू वापस आए तो तेरा गुजर मेरी कब्र से हो। अल्लाह, आप ये बताएं, एक बंदा पहले ही सफर पे जा रहा है, सफर पे जाते हुए तेरी वैसी नरम हो, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात हो, और फिर जाते हुए ये सोचना, आदमी पता नहीं क्या सोचे आ रही होती, ऊपर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर ऐसी सुना दी कि हो सकता है कि मेरी तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मेरी तेरी मुलाकात ही, और तू वापस आए तो तेरा गुजर मेरी कब्र से। हदीस के अल्फाज है, फबका पहाड़ खशान ले फिराक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फरमाया, या हदीस के अल्फाज है, जाशान ले फिराक रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदाई का तसव्वुर करके माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की चीखें निकली, अल्लाह के रसूल बस आखिरी था, इससे बस जुदाई। अब जाहिर है सफर में भी गया, और सहाबी की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमारे बड़े शरीर के आलिम कहा करते थे कि सहाबा इकराम की जिंदगियां देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इताअत और इत्तेबा का ताल्लुक देखें, मोहब्बत का ताल्लुक देखें। ऐसे लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सहाबा इकराम को हुक्म देते
कि मुझे अपनी खाल उतार कर उसका जूता बना के दो, मैंने वो पहनना है। तो सहाबा की मोहब्बत का आलम यह था कि वो अपनी खाल उतार के जूता बना के पेश कर देते। कितने जान सहाबा, उनकी मोहब्बत। लिहाजा फबका मा जैसा आपकी जुदाई का तस्वुर करके बाद की चीखें निकल गई। लगता ये है सिचुएशन ऐसी हो गई, लड़की सदस्य लगता है देखा नहीं गया। सो रिवायत के अल्फाज है तुम मरता पता आप वाला हो जाए ठाकुर जी देखा قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے سارے لوگوں میں سے وہ لوگ المتقون جنہوں نے زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزاری اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف سے گزاری، وہ متقون ہیں۔ اور جو متقون ہوں گے وہ قیامت والے دن میرے بالکل ساتھ ہوں گے، حیث کانوا ومن کانوا، وہ جو کوئی بھی ہو، جہاں کے رہنے والے ہوں، وہ تو یمن جا رہا ہے نا، وہ چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے ہوں، من کانوا وحیث کانوا، جہاں کے بھی رہنے والے جو کوئی بھی ہو، اگر وہ اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو قیامت والے دن میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو محبت کتاب اور اتباع کے اس معیار پر پورا ہونے کی، پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ خدا والا بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہوتا ہے لیکن دعائیں کرے، آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام محرومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے دلوں کی تمام نیک حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا میں بہترین کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت میں بہترین کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين ودمر على أعداء الدين اللهم لا تأكلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم استر عوراتنا من روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ برحمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عادلا اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عادلا اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا اللهم اغفر لنا ولأخواتنا اللهم اغفر لنا ولأولادنا اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.